मॉर्निंग फ्रेंड्स, श्रितिक गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। फ्रेंड्स, आज हम चेकआउट कर रहे हैं सुंदर नगर से और आज हम निकलने वाले हैं जीबी के लिए, तीर्थन वैली के लिए। और कितने किलोमीटर है गुलशन यहाँ से? 80 किलोमीटर, तो 3-4 घंटे का हमारा ड्राइव है और पहुँच के हम लोग मिलते हैं। श्रितिक इधर देखो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलते तो हंसने लगता है भाई श्रितिक। जैसा कि आपको गौतम जी ने पिछले व्लॉग में बताया कि गाड़ी से आप जीबी कैसे पहुंच सकते हैं, इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि बस या फिर ट्रेन से आप जीबी कैसे पहुंच सकते हैं। बाय बस जीबी जाने के लिए आपको मजनू के टीले से बस लेनी होगी, जो कि आपको और टनल तक उतारेगी। उसके बाद आप प्राइवेट टैक्सी या फिर लोकल बस के थ्रू जीबी तक पहुँच सकते हैं। तो अगर बात की जाए ट्रेन से जाने की, तो शिमला इज़ द नियरेस्ट स्टेशन फॉर जीबी। दिल्ली से शिमला पहुंचने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए यू हैव टू गेट डाउन एट कालका टू रीच शिमला। पहुंचने के बाद आप बस या फिर प्राइवेट टैक्सी से जीबी तक पहुंच सकते हैं। हम लोग गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए आपको गाड़ी का एक्सपीरियंस बताते हुए जाएंगे। जाते हुए हमें रास्ते में जगह मिली, बहुत ही सुंदर जगह है। आप मेरे पीछे एक ब्रिज भी देख सकते हो और यहाँ पे रिवर बह रही है। कितनी सुंदर रिवर है और बहुत तेज़ बहाव है रिवर का। और ये रहा यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है, लोग वहाँ पे जा रहे हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू है। Thank you.
आ गए हैं जीबी हमारे होटल की तरफ। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी है। मैं अभी एक मिनट अभी यहाँ से हम वॉक रूम में पहुँच के ना तेरे को कॉल करूँगा। जी भी हम लोग पहुँच गए हैं। क्षितिज ने अपने गर्म कपड़े पहन लिए हैं भाई। ठंडी हो रही है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है यहाँ पे। चलो जी घूमी घूमी करने आया। यहाँ से थोड़ी सी वॉक है हमारे होटल तक की, बस वॉक करके चलते हैं। ये तो रहा कितना सुंदर फूल का हुआ। लोग जी भी पहुंच गए हैं और एक क्विक रिव्यू देने वाले हैं गुलशन अभी तक का। बताइए गुलशन जी। हम लोग जी भी आ गए हैं और जी भी में हमने मैजेस्टिक व्यू होटल है वो लिया है। होटल बहुत अच्छा है और इसका ओवरव्यू आपको पीछे कराएंगे। और बाकी जो है यहाँ पे जो ये जो होटल है ये वाटरफॉल के बिल्कुल नियर बाय है, जो यहाँ पे जीबी वाटरफॉल है उसके पास में है। और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, सामने बाग हैं अपना सेब वगैरह के और मार्केट पास में है। और नीचे देखा था हमने क्राउड भी बहुत आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्राउड नहीं है या कुछ नहीं है, तो क्राउड बहुत अच्छा है। रोड बीच में थोड़ा सा नैरो, आपको रोड छोटे मिलेंगे, रोड ज़्यादा चौड़े नहीं है, तो गाड़ी को सेफली ड्राइव करें। और तो गाइस ये है हमारा रूम। यहाँ पे बालकनी है, ये बालकनी से कितना अच्छा सुंदर व्यू आ रहा है, बहुत सुंदर व्यू है। चलिए अंदर चलते हैं। ये डाइनिंग रूम है, अब हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट आने वाला है। मम्मी को ठंड लग रही है बहुत। करते करते ना जी दिल्ली रोलाओ एवर्सन। और ये हमारी गाड़ी और हम जा रहे हैं मार्केट तक। सबसे पहले हम जैकेट पहनेंगे और फिर वॉक करके हम लोग मार्केट जाएंगे। ये यहाँ का व्यू, बारिश हो रही है। हम लोग बारिश में ही वॉक करने निकल गए हैं, इतने एंथुजियास्टिक बच्चे हैं हम लोग। लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बारिश में भी निकल गए हैं। यहाँ पर बारिश रुक रुक के होती है, बारिश हो रही है फिर रुक जाती है फिर हो रही है, तो आप यहाँ पे ना अपने साथ में छाता जरूर लेके आना। क्यूट डॉगी। हेलो दोस्त, हम आपके लिए बिस्किट ढूंढ रहे हैं, अगर गाड़ी में मिल गए तो हम आपको बिस्किट देंगे। एक और आया, कितने क्यूट डॉग्स हैं यहाँ के। ये व्यू है, बहुत ही सुंदर व्यू है। ये तो मेरे पीछे पीछे आ गया, एक वो वहाँ रुक गया, एक मेरे पीछे पीछे आ गया। क्या सुंदर व्यू है। अब हो रही है हमारी कॉटेज, चलते हैं हम। नहीं नहीं चीमी चीमी चीमी, लाइट बंद कर रखी है मैंने यहाँ से। चीमी 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 चीमी।
जिमी लाइट जला ली। हम लोग जा रहे हैं जीबी वाटरफॉल में और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैक है, ट्रैक करके आगे वाटरफॉल मिलेगा। ये फॉरेस्ट एरिया है तो यहाँ पे थोड़ा ठंडक भी ज़्यादा है। हाँ फॉरेस्ट एरिया है ना। बारिश बहुत तेज़ हो गई, हमने गाड़ी अभी साइड में लगा ली है और ओले भी पड़ रहे हैं। देखो ओले पड़ रहे हैं लेकिन हमें ड्राइव करनी पड़ेगी वरना हम यहाँ बीच में फंस जाएंगे। बस चलते जा रहे हैं। शोजा में तो हमें बर्फ ही बर्फ मिल रही, मतलब जून के महीने में आप देख सकते हो कितनी बर्फ पड़ रही है यहाँ पर। कैसा लग रहा ड्राइव करके? अरे यार ठीक, डर लग रहा है अंदर आओ। दिखाना कितनी बर्फ है, ये देखो हाथ पे है ये। गर्मी से भाग के आए थे ना हम दिल्ली से, ये देखो यहाँ पे सर्दी है भाई, लिटरली हो रहा है। दोस्तों जून के महीने में आप देखो स्नोफॉल हो रहा है, ये देखो लिटरली स्नोफॉल है। ये सामने का दिखे तो सही कुछ। स्नो पड़ गई है भाई जून के महीने में।